वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको अपन को करना है। वन माइनस कॉस स्क्वायर फॉर्मूला होता है, वन प्लस कॉस स्क्वायर तो कुछ होता नहीं है, तो वैसे भी इसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि भैया वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, टेन इनवर्स टी, सबको पता होनी चाहिए ये बात। तो यहाँ पे कुछ खास नहीं करना है हमें, हमें कॉस एक्स को टी मान लेना है, तो दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर कॉस एक्स का अवकलन आएगा कीर्ति बेटा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। लेकिन हमारे पास माइनस साइन एक्स तो है नहीं, हमारे पास तो साइन एक्स डी एक्स है, तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस का फिर से गुणा कर दिए, तो साइन एक्स डी एक्स का मान आ गया माइनस डी टी। क्या आपको समझ में आया? तो अब ये सवाल कैसा बन गया, ये आ गया वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर एक बात और माइनस डी टी, क्लियर हुई बेटा बात? तो अब इसको दो तरीके से कर सकते, एक तो माइनस वन अपॉन वन प्लस टी कॉट इनवर्स टी का समाकलन होता है, और दूसरा इसको माइनस को बाहर करके इसका लिख दो आप टेन इनवर्स टी। तो या तो प्लस के कॉट इनवर्स टी लिख दो आप, या फिर माइनस के टेन इनवर्स, नहीं आया समझ, कॉट इनवर्स एक्स का होता है ना माइनस वन अपॉन वन, तो कॉट इनवर्स भी लिख सकते, प्लस सी टी का मान रख दीजिए सर टेन इनवर्स कॉस। सबको समझ में आया बेटा? इसी तरह आप सेकेंड भी कर सकते। अब अपन थर्ड देखेंगे, कौन सा देखेंगे? थर्ड क्वेश्चन में बेटा लिखा हुआ है आराम से बेटा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन प्लस कॉस टू द पावर साइन टू द पावर, सॉरी मेरी साइन टू द पावर फोर एक्स। तो वैसे बेटा कुछ खास क्वेश्चन तो नहीं है, पर मैं आपकी सुविधा के लिए इसको ऐसे लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ये कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। अब अपन यहाँ पे किसको टी मानेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को क्या मान लेंगे टी, दोनों पक्षों का हम कर देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन। साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन आएगा टू साइन एक्स, और फिर किसका करेंगे साइन एक्स का, क्या हो जाएगा कॉस एक्स, दो कहाँ आगे आगे और फिर साइन एक्स का कॉस एक्स, इतना तो याद होगा डी एक्स बराबर डी टी, पर हमें इतने का मान चाहिए, तो क्या किया जाएगा फिर साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू डी टी। तो आई की शक्ल कुछ ऐसी हो गई वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर वन अपॉन टू डी टी, तो वन अपॉन टू कहाँ आने वाला है बाहर, और वन अपॉन वन प्लस टी का टेन इनवर्स टी, कृपया का टी का मान बोलें साइन स्क्वायर एक्स। सबको समझ में आया? एकदम सरल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए यहाँ पे गौर कीजिए और मुझे बताइए कितने लोग हैं जो साहसी लोग जो इसको जरूर कर देंगे। ये लिखा है ई टू दी पावर टू एक्स लिखा है, अब इस स्टेप की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बड्डे ज़बरदस्ती में कर रहे हैं, इसको लिखेंगे ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। अब बताइए क्या करना है, ई टू दी पावर एक्स को क्या मानना है टी, तो ऊपर का जो ई टू पावर एक्स डी एक्स वो काट जाएगा डी टी में, तो वन अपॉइंट टी स्क्वायर टेन वर्स टेन वर्स ई टू दी पावर एक्स, समझ में आया? अब फिर भी मैं इसको कर देता हूँ माना, नहीं मैं कर देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, डी अपॉइंट डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स डी टी अपॉइंट डी एक्स, ई टू द पावर एक्स का होता है ई टू द पावर एक्स डी एक्स आ गया गुणा में बराबर डी टी, आई इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर डी टी। सबको समझ में आया? अब बच्चों बताइए इसका क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टी, अब बस ई का मान रख दिए टी का टेन इनवर्स ई टू द पावर एक्स। अब बच्चों वो सवाल जो बच्चों को बहुत कठिन लगता है, उनको लगता है बहुत टफ है और पेपर में भी बहुत 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 आता है, ये सवाल है ये डी एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस, थोड़ी देर के लिए मेरा साथ दीजिए, वन अपॉन ये डी एक्स अलग से लिख लिया, क्या मेरे बच्चों को ये समझ में आया, ई टू द पावर एक्स को लिख लिया वन अपॉन ई टू द पावर एक्स, लघुत्तम ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ऊपर पहुंच गया एक्स डी एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन, ये वही सवाल है, चाहे वन प्लस ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर ले को चाहे ई टू, तो वही इसको टी मान लेंगे तो टी स्क्वायर प्लस वन टेन वर्स का आ जाएगा और हो जाएगा, नहीं आया समझ में, आ गया। चलिए अगर आ गया है तो इस सवाल में किसको टी माना जाएगा सोच के बताइए, सबसे पहले हम क्या करेंगे ये सोच के बताइए, एक्स टू द पावर फोर को लिखेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, अब क्या करेंगे इसके बाद एक्स स्क्वायर को क्या मानेंगे टी, तो टू एक्स डी एक्स आएगा तो उसमें से एक्स डी एक्स निकल आएगा, नहीं आया समझ। अगले सवाल में किसको टी मानेंगे, एक्स की घात छः है उसको लिखेंगे एक्स क्यू का होल स्क्वायर और एक्स क्यू को टी मान लेंगे, समझ में आया? तो करते करते समझदारी विकसित होती है, ठीक, कितने मस्त सवाल है। करिए यहाँ पर एक सवाल है हमारे सामने, ठीक है, एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस टू है, तो सबसे पहले ये समझना होगा
कि हमें तो ये कहीं फॉर्मूला पता है अंडर रूट वाला ये। अब फॉर्मूला क्या बनेगा, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर का होता है साइन इनवर्स टी या माइनस कॉस इनवर्स, कोई नहीं लिखता माइनस कॉस इनवर्स, तो साइन इनवर्स टी है ये अपन को करना है। तो इसको कैसे बनाया जाए, इसको तभी बना पाएंगे जब जो अंडर रूट में लिखा है यहां पर क्या आ जाए, टी स्क्वायर, क्या आ जाए, तो इसको हम लिखेंगे करनी दो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या मेरे बच्चों को समझ में आया, बाकी ये एक्स डी एक्स किस लिए आया है, ताकि डी टी में चला जाए। माना ये स्टेप समझ में आई, करनी दो एक्स स्क्वायर बराबर टी। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष डी टी अपॉन डी, कितना आ गया इसका 2x dx बराबर डी टी। पर बच्चों हमें तो इसकी आवश्यकता है, तो x dx बराबर 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 डी टी, यहां मान रख देंगे बेटा i बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 डी टी, ये कहां चला गया बाहर, इसका क्या हो गया साइन इनवर्स टी, बस मान रख दो 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। समझ में आया नहीं आया, अब बच्चों ये सवाल, ये भैया बहुत खतरनाक सवाल है, क्या लिखा है बताओ जरा, साइन एक्स प्लस कॉस 2 नहीं होगा, ध्यान से बोला करो बेटा कीर्तिया, 2 साइन 2 एक्स और साइन 2 एक्स में बहुत अंतर होता है। अब बच्चों ये वाकई वो सवाल है जो अभिषेक सर या सर नहीं बताए तो अपन को उतना दिमाग नहीं चलता, किसको टी माना जाए, कि है बहुत सरल, मुश्किल है समझाने दो, दिख गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, हमें कछु नहीं पता, हमें ये तो पता है कि ये किस लिए है, डी टी में जाने, है ना। तो वैसे तो मैंने कई बार समझाया, ऐसा नहीं कि समझाया नहीं, साइन टू एक्स है, टू साइन एक्स इन टू कॉस एक्स, बोलो हाँ या ना, yes, sir. ओ, पहले ये किस, अब तू डायरेक्ट नहीं कर रहे ऐसे कर रहे, ठीक है, टू साइन एक्स कॉस एक्स, इसको लिख रहे हैं अपन, ये समझा दो, हमें ये समझ में नहीं आया, देख लो जल्दी बताओ मुझे, वन से वन हो जाएगा कैंसिल, माइनस और पच्चों का त्यों, क्योंकि अपन को कुछ ना कुछ तो चाहिए टी मानने के लिए, अभी तो कुछ मिल नहीं रहा है। अब बच्चों बड़ा कठिन, बड़ा कठिन, क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन एक्स कॉस, समझ में आया, इसको उल्टा भी कर सकते हैं, फंसोगे तो समझोगे कि साइन एक्स का भी बन सकता है सूत्र कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का, अगर ये पहले साइन लिखो साइन का बन जाएगा, तो जब तक फंसोगे नहीं अब तक कभी समझ नहीं पाओगे, हमें रटते रहोगे। चलो ये तो लिखा ही अपना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बच्चों क्या बन गया बताओ जरा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का, सही है। अब बच्चों माना कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, अवकलन, बेटा अगर आप बोलोगे नहीं तो मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, कॉस एक्स का अवकलन बोलिए, साइन एक्स का बोलिए, समझ में आया, माइनस क्या ले लीजिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी, लेकिन हमें तो इसका मान चाहिए है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, समझ गए। और अगर अब है ने यहाँ क्या बना लिया होता, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या आंसर आता, तो क्या आंसर आता, क्यों नहीं आता, बिल्कुल आता, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को आंसर पे क्रिटिसाइज नहीं जाना है, ठीक है, आंसर आपको बताया एक फाइनल के दूसरे ज़्यादा समाकलन हो सकते हैं, आपको बताया अगर तो बिल्कुल घबराए नहीं, कोई अगर आपके नंबर यहाँ काट भी रहा है तो वहाँ नहीं काटेगा बोर्ड परीक्षा, वहाँ पे लोग इंटरनेट लोग ही होते हैं, उनको लिखा होता है कि अगर इस तरीके से भी किया तो भी नंबर दिए जाएं। चलिए अभी यार अपना काम हो चुका है, तो कितना आएगा बेटा, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर और माइनस डी टी, अगर साइन एक्स वाला बनाओगे तो माइनस नहीं आएगा, तो माइनस वन सूत्र बनाओगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, बना सकते, कैसे बनाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स पे लिख दे, कॉस स्क्वायर पे लिख देना, क्या आएगा बेटा,
साइन इनवर्स टी, वो भी काय का माइनस, तो माइनस साइन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और वो आएगा प्लस साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, दोनों ही आंसर माने जाएंगे सही। ठीक है चलिए बच्चों, अभी अपन नॉर्मली सूत्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां पर अब है इसको हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, सही है बच्चों। अब हम एक्स स्क्वायर को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर क्या मान लिया, तो दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स स्क्वायर का आ गया 2x। जैसे ही आप यहां देखेंगे सुर भी आपको समझ में आएगा कि अरे एक्स डी एक्स का मान तो आ गया, एक्स डी एक्स का मान तो आ गया 1/2d, लेकिन यहां तो एक्स है ही नहीं, यहां तो एक्स है ही नहीं, और बच्चे गलत करके भी सही कर रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है, यहां एक्स का गुणा यहां एक्स का भाग, नहीं आया बच्चों का एक्स स्क्वायर का वही आ जाएगा, नहीं आया सर। तो अब जरा देखते हैं आई कहां पहुंचा, एक्स डी एक्स की जगह डी टी, एक्स स्क्वायर की जगह टी माना था टी स्क्वायर माइनस वन, और अब ये काय का सूत्र होता है सेक इनवर्स टी, सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर, कितना सरल है, और मेन ये है कि अंश में हर में काय गुणा करना है एक्स, जो बच्चे नहीं करते बड़े करे सही कर देते।